हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमन। आप देख रहे हैं आई थिंक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप लोग को कैसे पीएम किसान स्कीम पे रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, एक्चुअली ये एक स्कीम है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आप लोग को पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कहाँ पर पैसा मिलेगा, पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। बट उसका पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आप लोग का एक लाइक और सब्सक्रिप्शन ही तो होता है हर एक यूट्यूबर का मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएम किसान एक स्कीम है जो 1/12/2018 में लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, आप लोग के पास अगर कोई भी छोटा सा जमीन है या जो लैंड है, जहाँ पर कोई भी किसान हो जिसको जिनको टोटल एक साल में ना 6,000 रुपया मिलता है। 6,000 रुपया पूरा एक साल नहीं मिलेगा आपको, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, मतलब 3 बार साल में 3 बार मिलेगा। और ये पैसा मिलेगा आपको डायरेक्ट, आपका जो बैंक अकाउंट होगा वहाँ पर आप लोग का डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कीम है मेरे ख्याल से, क्योंकि गरीब किसान को इससे बहुत बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि 6,000 रुपये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, तो ये अच्छा बात है। देखिए, इसके लिए बस ज़्यादा तो डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो मैं बोल देता हूँ। पहला तो चाहिए, जो मैंडेटरी है वो है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड नंबर चाहिए, आधार कार्ड का नंबर चाहिए आपको। एक बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, मैं ऑलरेडी बोला। और आपके पास एक छोटा सा लैंड होना चाहिए जिसका पूरा दलील होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिसका पूरा पेपर होना चाहिए सही तरीके से। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि आपका डाउट हो सकता है कि देखिए, ऐसे बहुत सारा ज़मीन रहता है जहाँ पर आपका खुद का ज़मीन नहीं है, मतलब आपका 3-4 लोग का एक साथ जमीन है, तो वहाँ पर आप लोग को अलग से एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि डिवीजन सर्टिफिकेट करके, मतलब आप लोग को उसको आप लोग का नाम को आपका आपका जो नाम पे भी है ना, वो भी आपको दिखाना पड़ता है। तो उसके उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, आज मैं सिर्फ ये डिस्कस करता हूँ कि कैसे यहाँ पर रजिस्टर करना चाहिए। देखिए, आप लोग अगर नए हैं, मतलब नया से रजिस्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए फार्मर कॉर्नर पर जाइए और यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन में जाना है। तो इस ये वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पर जाने से आपको ऐसे एक पेज दिखाई देगा, और यहाँ पर आके आपको फार्मर्स कॉर्नर पे आना है, और उसके बाद आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही इमीडिएट आपको दिखाएगा एंटर योर आधार नंबर, और यहाँ पर एक टेक्स्ट डालना है, जिसके बाद आपको दूसरा पेज में डाल दिया जाएगा, दूसरा दूसरा पेज आएगा आपके सामने। तो मैं पहले डाल देता हूँ, उसके बाद फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद इमेज कोड भी डाल देता हूँ। उसके बाद क्लिक हियर टू कंटिन्यू में आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग का एक दूसरा पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आप लोग को बहुत सारे डिटेल्स आपको फिल करना है। देखिए, मैं बोल देता हूँ, मैं फिल नहीं करता हूँ, अगर आप लोग कोई फिल नहीं कर पाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं डिटेल्स में फिलअप करके ही बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ डिस्कस कर देता हूँ क्या क्या मतलब कौन सा जगह पे आप लोगों को क्या क्या डिटेल डालना है। पहला तो है स्टेट, यहाँ पर आप लोग को खुद का स्टेट डाल देना है। ठीक है, आपको कोई भी जो स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर वो डाल दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, यहाँ पर स्टेट डालने के बाद ना ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका स्टेट के अंदर, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, उसके बाद आपका ब्लॉक जो है, लोकल ब्लॉक जो है वो भी डाल दीजिए, उसके बाद विलेज का नाम डाल दीजिए, उसके बाद आपका फादर्स का नाम, जेंडर्स क्या है आपका, आपका कैटेगरी क्या है, मतलब आप लोग जनरल है, SC ST है क्या है डाल दीजिए। उसके बाद फार्मर टाइप डाल दीजिए, यहाँ पर स्मॉल या अदर, मैं स्मॉल डाल देता हूँ स्मॉल। यहाँ पर आधार ID और यहाँ पर आधार कार्ड एज ए प्रूफ आप लोग को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर आधार कार्ड ऑलरेडी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आधार कार्ड जो आप डाले हैं तो आधार कार्ड भी आ जाएगा। उसके बाद आपका बैंक का जो IFSC कोड होता है, हर एक बैंक का एक यूनिक IFSC कोड होता है, तो जिस बैंक में आप लोग का अकाउंट है वहाँ पर आप लोग IFSC कोड डाल दीजिए, उस बैंक का IFSC कोड डाल दीजिए, यहाँ पर बैंक नेम डाल दीजिए, और ऑटोमेटिकली आप जब IFSC कोड डाल देंगे तब बैंक का नाम भी आ जाएगा।
उसके बाद आपका वो अकाउंट नंबर डालना है आपका बैंक का, वहाँ पर आपका एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर एक आधार कार्ड का शायद मतलब आधार कार्ड का एक पिक्चर डालना है जो ऑथेंटिकेशन करेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद आपका फादर्स या मदर या हस्बैंड का नाम डालना है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगल या जॉइंट, मतलब ऐसे ही जैसे मैं पहले बोला कि अब अगर ये वो लैंड या ज़मीन आपका खुद के नाम पर है तो सिंगल डाल दीजिए, या अगर सिंगल पे नहीं है तो जॉइंट पे डाल दीजिए। तो मैं सिंगल पर रखता हूँ। उसके बाद है देखिए यहाँ पर एक आ जाएगा जैसे कि आपकी सीरियल नंबर है और यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। ज़मीन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर सर्वे खाता नंबर आ जाएगा। ये सब चीज़ ना आपका ज़मीन का पेपर में रहेगा, ठीक है। वहाँ पर देख के अच्छे से डाल दीजिए क्योंकि ये वेरिफिकेशन होगा एंडिंग पे। उसके बाद आपका यहाँ पर ये कुछ दाग नंबर है और उसके बाद एरिया है जो हेक्टर में टोटल डालना है, ठीक है। आपका टोटल कितना ज़मीन है, ठीक है, वो भी आपका ज़मीन का पेपर में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सेव करना है उस, ठीक है। उसके बाद आपको एक आपका जो अपना स्टेट है वहाँ से वेरिफिकेशन होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद वो आपका स्टेट अगर ग्रांट कर दिया तो आपको डायरेक्ट वो पैसा मिलेगा, ठीक है। ये है टोटल प्रोसेस जो मैंने बताया। तो आप लोग ट्राई कीजिए पहले, अगर नहीं हुआ तो मैं एंडिंग में आप लोग को पूरा ये पूरा फिलअप करके बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।